Hello dear children, so now today we will start part 3 of our chapter Nandita in Mumbai. आगे के दो parts में हमने देखा कि नंदिता जो एक girl है वो मुंबई आई है अपनी mother का इलाज कराने के लिए और वहाँ आकर जब वो देखती है वहाँ की lifestyle अपने मामा के यहाँ रहती है जब वो तो वो उसको अपने गांव की lifestyle से compare करती है और उसी के बारे में ये पूरा chapter है. तो चलिए हम आगे देखते हैं. Tell about yourself. Now you have to tell, you have to give your views about the things which are asked. जो भी चीजें यहाँ पूछी गई हैं, उनके ऊपर आपको अपने views देने हैं. Draw a circle around the kind of house you live in. Is it like the house of Nandita, Mama, Bablu or any other kind? आपको ये लिखना है कि आप किस तरीके के घर में रहते हैं. Where does the water come from in your house? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? Is there an electricity connection in your house? How many hours in a day do you get electricity? आपके घर में electricity connection है? कितने घंटे आपको electricity मिलती है? Which is the nearest hospital in the area where you live? जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से hospital कितनी दूरी पर है? How far are these from your house? ये कितनी दूरी है bus stop? कितना मिनट का वॉक है, कितना किलोमीटर है, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल. ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया. आपके एरिया में किस तरीके के हाउसेज हैं उनकी पिक्चर बनानी है और ये करना. तो दिस इज फॉर योर सेल्फ टू डू, ये आपको करना है. नाउ नेक्स्ट, अ न्यू वरी, एक नई चिंता. मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई. मामा ने कहा था कि वो उसको मुंबई लेके जाएंगे. The children around here talk a lot about Chowpatty. जो यहाँ के बच्चे हैं वो चौपाटी के बारे में बहुत बातें करते हैं. They say that big film stars also come there. वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े फिल्म के सितारे भी आया करते हैं. Maybe when I go there, I might see a film star. मैं भी हो सकता है वहाँ जाऊँ और बड़े-बड़े फिल्म स्टार को देखूँ. तो ये जो पिक्चर है ये चौपाटी का है. चौपाटी मतलब कि सी बीच है जगह. तो ये चौपाटी का पिक्चर है, ठीक है. तो ये भी सोचती है कि मैं भी वहां जाऊंगी और मुझे वहां कोई फिल्म स्टार मिलेगा. These days mama is so worried. अभी जो मामा है वो बहुत चिंता में रहते हैं. I cannot ask him to take me to Chowpatty. इसलिए मैं अभी उनसे नहीं बोल सकती कि आप मुझे चौपाटी ले चलो. Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place. पिछले हफ्ते कुछ लोग आए थे, वो अपने साथ नोटिस लेकर आए थे कि जो सारे लोग हैं उनको क्या करना है, इस जगह से निकल जाना है. दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर. और जहां वो लोग रह रहे थे वहां पर एक बड़ी होटल बनानी है. मामा वाज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 ईयर्स दैट ही गॉट सच नोटिसेस. मामा ने कहा कि पिछले 10 सालों में ये जो है ये मुझे नोटिस 3 बार मिल चुका है कि हमको ये जगह खाली करनी है. People who live here have been given another place to make their houses. जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको अलग दूसरी जगह दी जा रही है रहने के लिए. But it is very far away. लेकिन ये बहुत दूर है. Another corner of the city. लगभग दूसरा कोना है. There is no drinking water, no electricity. I don't even know if any bus goes there. ना कोई ड्रिंकिंग वाटर है ना इलेक्ट्रिसिटी है. आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर. और मुझे नहीं लगता वहां कोई बस भी जाती है. हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार. मामा जो है वो अपने वर्क प्लेस पर कैसे जाते हैं इतनी दूर. हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड. और उनको कितना पैसा लगेगा अगर वो यहाँ से चले जाएंगे. तो मतलब वो बता रहे हैं कि वो बहुत दूर है, वहां पे पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस चलती है नहीं वो भी नहीं पता. एंड How much time also? And mommy will she get some other work there? और मामी को भी चिंता है कि क्या उनको वहाँ पर फिर से काम मिल सकता है घरों में करने का. If mama moves to a new place, how will I be able to visit my mother? अगर मामा दूसरी जगह रहने लगेंगे तो मैं अपनी माँ को देखने कैसे जाऊंगी हॉस्पिटल. Mother is not even completely well as yet. मम्मी अभी भी ठीक नहीं हुई है. अब ये जो है ये इस तरीके का होटल वो बनाना चाहते थे. आपने जनरली देखा होगा कि जो स्लम एरियाज हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहाँ बड़े बिल्डर उस जमीन को ले लेते हैं और वहां पर वो बड़ी होटल्स बनाते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा इनकम होती है.
और वो यहाँ पे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह रिहैबिलिट करा देते हैं। Now some question answers that you have to write in your notebook. Why does Mama have to change his house? Mama को अपना घर बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? Mama has to change his house because a hotel will be built at this place. क्योंकि वहाँ पर क्या बनने वाली थी? एक होटल। Have you ever moved from your house? If yes, why did you have to move? क्या आप कभी अपने घर से अलग हुए हैं, वहाँ से दूसरी जगह? तो क्यों? Yes, I moved from my house because we bought a new house in another area. Generally, जब हम house change करते हैं, shifting करते हैं, कहीं दूसरी जगह पर, तो हम जगह बदलते हैं। Do people in your family have to go far for their work? क्या आपके घर के लोगों को दूर जाना पड़ता था काम के लिए? Where do they go? How far do they have to go? Yes, my father has to go far for his job. माँ फादर को दूर जाना पड़ता था। He goes to his office, which is 20 kilometer away. उनके उनकी office जो थी वो 20 kilometer दूर थी। Now this we have to discuss. Is it right that Mama and others have to move because a hotel is going to be built there? क्या ये सही है कि मामा और वहाँ रहने वाले लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर क्या बननी है? ये hotel बननी है। तो क्या ये सही है? तो ये जो है सही है कि नहीं सही है ये देखेंगे। No. It is not right that Mama and others have to move because a hotel is going to be built there because it will disturb their life and work badly. क्योंकि इससे उनका काम और उनका जो life है सब disturb हो जाएगा. Who will benefit from this? किसको benefit होगा? किसको फायदा होगा? तो किसको फायदा होगा? The owner of the hotel will benefit from this. जो भी इस hotel का owner होगा उसको फायदा होगा. Who will face difficulties? किसको difficulties face होंगी? People who have to leave their home will face difficulties. जो अपने घर को छोड़कर जाएंगे उनको difficulty face होगी. Do you know of any people who have faced problems similar to Nandita's mama? Talk about it in the class. तो क्या आपने कभी किसी ऐसे को देखा है? Yes, I know some people who have faced problems similar to Nandita's mama when they had to leave their homes due to the construction of new wide road. जब wide road बन रही थी तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा. Draw a picture of your house of your choice and color it. तो ये आपको करना है, आपने बनकर एक house बनाई है और उसको color करिए. So I hope you all have enjoyed the video. Thank you and stay tuned for my next video. God bless you all.